हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही बजाज ने पल्सर NS125 को लॉन्च किया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक बनाया था, लेकिन वहाँ पे काफी कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पे इस वीडियो में NS125 के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा SP125 से, कि अगर आप 125 सेगमेंट में इस समय कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। अगर आप NS125 का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो ऐसे में NS125 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन से। तो बजाज पल्सर NS125 में टोटल 4 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑरेंज, बर्नट रेड, प्योटर ग्रे और सफायर ब्लू शामिल है। तो होंडा SP में भी आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें स्ट्राइकिंग ग्रीन, इंपीरियल रेड मेटेलिक, पर्ल सिरेन ब्लू और मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक शामिल है। यहाँ पे दोनों बाइक्स में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन वही बात कर लेते हैं इनके डिजाइनिंग की, कि दोनों की डिजाइनिंग देखने में कैसी है और कहाँ पे कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले NS125 की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको हेडलैम्प काफी अच्छी डिजाइन की मिल जाती है, जो कि NS160 और 200 से लिया गया है। इसके हेडलैम्प के जस्ट नीचे आपको ट्विन पायलट लैम्प भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में फेंडर दिया गया है, जहाँ पे कार्बन फाइबर का आपको फिनिश देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके हेड के साइड पर भी आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है, यानी कि बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। साइड व्यू की बात कर ले तो यहाँ पे आपको काफी स्टाइलिश टैंक मिल जाता है, जिसके ऊपर पल्सर की 3D में लोगो लगाया गया है। साइड पर आपको 125 की बैजिंग मिल जाती है। इसके अलावा नीचे इंजन कॉल भी दिया गया है, जहाँ पे आपको हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। सीट के नीचे आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है। पीछे वाले पैनल पे आपको 125 की बैजिंग मिल जाएगी। इसके अलावा 2 लेयर की स्प्लिट सीट दी गई है, पीछे आपको स्प्लिट ग्रैबर मिल जाता है। इसके अलावा रियर हगर लगा हुआ है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि इस बाइक में एग्जॉस्ट सिस्टम साइड में नहीं दिया गया है, आपको नीचे मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज इसमें और भी अच्छी दी गई है कि यहाँ पे जिस कलर का बाइक लेते हैं उस कलर का आपको रिम पे स्ट्रिप भी देखने में मिल जाएगी। तो इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हैं, इसमें पल्सर का वही सिग्नेचर टेल लैम्प दिया गया है, जो कि स्प्लिट आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में टैंक पैड भी लगा हुआ मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग आपको पल्सर NS125 में मिल जाती है। काफी अच्छी इसकी डिजाइनिंग दी गई है, काफी स्पोर्टियर ये बाइक देखने को लगती है। तो ये होंडा SP125 की भी डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। इसको भी आप पहले फ्रंट से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी स्टाइलिश हेडलैम्प मिल जाता है। यहाँ पे हल्की सी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है और इस बाइक में भी फ्रंट फेंडर जो कि बॉडी कलर का दिया गया है। इसमें व्हील पे आपको स्ट्रिप देखने को नहीं मिलती है। साइड वाले पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको टैंक मिल जाता है काफी अच्छी डिजाइनिंग की, जहाँ पे होंडा की बैजिंग दी गई है और आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है। साइड पैनल पे 125 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको पीछे साइड तक हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। ज्यादातर पार्ट इसमें आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। इंजन पूरी तरह से ब्लैक दिया गया है, यहाँ पे इंजन काउल नहीं लगा हुआ है और एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में। और यहाँ पे आपको सिंगल लेयर की सीट मिल जाती है, ग्रेवरेल जो कि स्प्लिट नहीं है। पीछे आपको टेल लैम्प मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग आपको होंडा SP125 में भी देखने को मिल जाती है। दोनों ही बाइक स्पोर्टियर सेगमेंट में आती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्पोर्टियर की बात करें तो इन दोनों में से NS125 ज्यादा स्पोर्टियर लुक दे रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों बाइक्स में से कौन सा आपको पसंद है। जो बाइक आपको पसंद आए, जो आपको देखने में अच्छा लगे, उस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इनके इंजन की। तो बजाज पल्सर NS125 में 124.45 cc का 4-stroke SOSC 2-valve एयर कूल्ड DTSI इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इंजन दिया गया है। तो ये SP125 में 124 cc का 4-stroke एयर कूल्ड SI प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। यहाँ पे NS125 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको फ्यूल ऑन ऑफ का भी सिस्टम मिल जाता है, जो कि साइड में आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा से अलग डिजाइनिंग इसकी फ्यूल ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है। तो ये पल्सर NS125 का इंजन 8500 RPM पर 8.82 किलोवाट का पावर, जबकि 7000 RPM पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये SP125 का इंजन 7500 RPM पर 8 किलोवाट का पावर, जबकि 6000 RPM पर 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही बाइक्स में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में कीको सेल्फ स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के पावर फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ NS125 मिल जाती है। तो अगर आप ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप पल्सर NS125 को ले सकते हैं। तो ये आगे बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो पल्सर NS125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो ये SP125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे इन दोनों के फ्रंट सस्पेंशन सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन 125 cc सेगमेंट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन के मामले में थोड़ी सी ऐसी आपको पल्सर NS125 मिल जाती है। तो ये टायर ऑफ ब्रेक्स की बात करें तो NS125 के फ्रंट में 80x100 का 17 inch और रियर में 100x90 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो SP125 के फ्रंट और रियर में 80x100 का 18 inch का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है।
तो यहाँ पर इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी चौड़ी टायर आपको NS125 में मिल जाती है, लेकिन SP125 में फ्रंट और रियर दोनों में सेम टायर दिया गया है, तो ये थोड़ी सी कमी आपको SP125 में देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो पल्सर NS125 के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो ये SP125 के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन आपको SP125 में दिया गया है, लेकिन पल्सर NS125 में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की कि दोनों बाइक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो बजाज पल्सर NS125 में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो ये हुंडा SP में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोनों के नाम में केवल आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, काम दोनों का सेम ही होता है। पल्सर NS125 में हैलोजन हेडलैम्प के साथ ट्विन पायलट लैंप दिया गया है, लेकिन हुंडा SP में आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है। पल्सर NS125 में डिजिटल एनालॉग मीटर दिया गया है जो कि NS160 से ही लिया गया है। इसके फर्स्ट मीटर में आपको इंजन माल फंक्शन लाइट, हेडलैम्प हाई बीम लाइट और टर्न इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है। तो इसके सेकेंड मीटर में आपको एनालॉग में टैकोमीटर की जानकारी मिल जाती है और फ्यूल की जानकारी भी यहीं पे दी गई है। तो इसके थर्ड मीटर में आपको क्लॉक स्पीड, ऑडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, RPM लिमिट, ये सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्विच भी आपको ट्रिप स्विच करने का मिल जाता है। तो ये हुंडा SP125 में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू एम्पटी, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। पल्सर NS125 में इंजन किल स्विच दिया गया है, तो SP125 में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच दिया गया है, दोनों का ही काम सेम होता है। तो NS125 में टू लेयर की स्प्लिट सीट मिल जाती है, लेकिन SP125 में आपको सिंगल लेयर की विदाउट स्प्लिट सीट मिल जाती है। पल्सर NS125 में आपको स्प्लिट ग्रेबरियल मिल जाता है, लेकिन वहीं SP125 में स्प्लिट ग्रेबरियल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे स्पोर्टियर के मामले में थोड़ी सी पल्सर NS125 आगे निकल जाती है। इसके अलावा पल्सर NS में इंजन काउल भी लगा हुआ है, लेकिन होंडा SP में इंजन काउल देखने को नहीं मिलता है। पल्सर NS125 में रियर हगर दिया गया है, लेकिन वहीं होंडा SP में रियर हगर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे SP में आपको हगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रियर फेंडर ही पीछे तक गया हुआ है। तो बरसात के मौसम में छींटे आने का कोई डर नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पे रियर हगर नहीं दिया गया है। इसके अलावा पल्सर NS125 में रिम स्ट्रिप भी दी गई है, तो ये SP में आपको रिम स्ट्रिप देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था NS125 में अंडर बेली आपको एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन वही SP में आपको साइड में एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये था इन दोनों के फीचर्स, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक करके सारी जानकारी दे दी है। जिसका फीचर आपको ज्यादा अच्छा लगा हो या फिर जो आपके काम का हो, उस बाइक को आप चूज कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं माइलेज और टॉप स्पीड की, लेकिन इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है। तो पल्सर NS125 आपको 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी, तो ये SP125 आपको 60 से लेकर 65 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। यहाँ पे माइलेज के मामले में थोड़ी सी आगे SP जरूर निकल जाती है। तो ये टॉप स्पीड की बात करें तो NS125 की टॉप स्पीड 108 kmps तक है, तो ये SP125 की टॉप स्पीड 100 kmps तक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि पल्सर का जो पावर है SP से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से टॉप स्पीड भी आपको NS125 में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो बजाज पल्सर NS125 का लेंथ 2012mm विथ 810mm, हाइट 805mm, ग्राउंड क्लियरेंस 179mm, व्हील बेस 1353mm, सीट हाइट 800mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 2 लीटर, इसका कर्व वेट 144 kg है। तो SP125 का लेंथ 2020mm विथ 785mm, हाइट 1103mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160mm, व्हील बेस 1285mm, सीट हाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर्व वेट 117 kg से लेकर 118 kg है। तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको NS125 में मिल जाती है, सीट हाइट थोड़ी सी कम आपको SP में मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा पल्सर में दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों में से काफ़ी हल्की आपको SP मिल जाती है, पल्सर NS का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनकी प्राइस की। तो यहाँ पे आपको पल्सर थोड़ी सी महंगी जरूर मिलने वाली है, प्राइस जान लेते हैं पहले। तो बजाज पल्सर NS125 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 93,690 रुपीज तक है। तो इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में आपको 111,000 रुपीज से लेकर 114,000 रुपीज के बीच में मिल सकती है। ऑनरोड प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने एरिया का एग्जैक्ट प्राइस अपने नजदीकी शोरूम पे जाके पता कर सकते हैं। तो ये हुंडा SP125 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 77,145 रुपीज़ तक है। तो ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 81,441 रुपीज़ तक है। अगर इस बाइक के ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 91,000 रुपीज़ के आसपास मिल सकती है। तो ये इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 95,000 रुपीज़ तक है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स का प्राइस फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सस्ती नहीं बल्कि ज़्यादा सस्ती होंडा SP मिल जाती है, क्योंकि जितना NS125 का एक्सरूम प्राइस है उतने प्राइस में आपको होंडा SP का डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिल जाता है।
और होंडा एसपी में ऐसा नहीं है कि आपको फीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी इसमें कमी जरूर देखी गई है, इसमें टायर साइज थोड़ी सी पतली मिल जाती है, बाकी इसके स्पोर्टिनेस में कोई भी कमी नहीं है। अगर एसपी में स्प्लिट सीट दी जाती, स्प्लिट ग्रेवरेल दी जाती तो ये काफी स्पोर्टियर लुक देता, लेकिन वही अगर आपको ज्यादा स्पोर्टी और काफी अच्छे नए लुक के साथ चाहिए, वो भी 125 सी सेगमेंट में जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो ऐसे में आप एनएस 125 को ले सकते हैं। हो सकता है कि ये बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस हो जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एनएस 125 की प्राइस ओवर प्राइस है या फिर अपने हिसाब से ठीक ठाक है। यहाँ पे इस वीडियो मैंने आपको दोनों बाइक्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या अंतर है, इसका कारण की प्राइस क्या हो सकती है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पल्सर एनएस 125 का कंपैरिजन और किस बाइक के साथ आप देखना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।